बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कॉपर रिड्यूसेस NO3 माइनस इनटू NO एंड NO2 डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ HNO3 इन सॉल्यूशन एज्यूमिंग फिक्स्ड Cu2 प्लस एंड प्रेशर ऑफ NO इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ NO2। द HNO3 कंसेंट्रेशन एट विच द थर्मोडायनामिक टेंडेंसी फॉर रिडक्शन ऑफ NO3 प्लस इनटू NO2 एंड NO2 बाई कॉपर इज सेम इज 10 to the power x स्मॉलर। द वैल्यू ऑफ 2x इज वी हैव टू फाइंड इट आउट। ऑप्शन ए 4.322, ऑप्शन बी 5.345, ऑप्शन सी 567, ऑप्शन डी 127। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा गया, हम ये बोला गया है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे है कॉपर जो है वो रिड्यूस करता है NO3 माइनस को NO और NO2 में डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करके किससे कंसेंट्रेशन, HNO3 के कंसेंट्रेशन। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमको एज्यूम करना है कि जो CO2 प्लस है और एंड जो प्रेशर ऑफ NO है वो क्या है, प्रेशर ऑफ NO2 है, इक्वल है प्रेशर दोनों का, ठीक है। एंड दी HNO3 कंसेंट्रेशन हमको निकालना है, HNO3 का कौन सी कंसेंट्रेशन पे थर्मोडायनामिक टेंडेंसी क्या होगा, रिडक्शन ऑफ एक्चुअली NO3 माइनस होगा, राइट, NO3 माइनस होगा, कौन सा थर्मोडायनामिक मतलब कौन सी कंसेंट्रेशन ऑफ HNO3 पे क्या होगा, हमारे पास जो थर्मोडायनामिक टेंडेंसी होगा रिडक्शन का, किसका, NO3 माइनस का, NO2 एंड NO2 में बाई द कॉपर इज सेम इज 10 to the power x मोलर। तो हमको ये निकालना है एक्जैक्टली, एंड द वैल्यू ऑफ 2x यहाँ पे हमको पूछा गया है, तो हमको राउंड अप करना है नियरेस्ट इंटीजर को। एनीवे सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ HNO3, राइट। सो हम जानते हैं इफ द पार्शियल प्रेशर, हमारे पास क्या है, एनओ है और NO2 है, सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ मतलब पी ऑफ एनओ एंड पी ऑफ NO2 गैस, मतलब मैं इसको वन बार कंसिडर करूं, ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा, जो रिएक्शन है NO3 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एंड आई हैव NO प्लस 2H2O, तो इसके लिए E नॉट क्या होगा, NO2 सॉरी NO3 माइनस 2NO, इसके लिए होगा 0.96 वोल्ट। सिमिलरली NO3 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन आई हैव NO2 प्लस H2O एंड E नॉट क्या होगा, E नॉट ऑफ NO3 माइनस या फिर NO2 इज इक्वल्स टू 0.79 वोल्ट, ठीक। नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास सपोज जो HNO3 का कंसेंट्रेशन है वो क्या है, सपोज लेट दिस इज वाई, सो जो H प्लस का कंसेंट्रेशन होगा, H प्लस का कंसेंट्रेशन वो भी क्या होगा, वाई होगा, और जो NO3 का कंसेंट्रेशन होगा वो भी क्या होगा, वो भी होगा वन, फॉर सेम थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो E होगा NO3 माइनस NO का, और जो E होगा NO3 माइनस NO2 का, दोनों सेम ही होगा एट सेम थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी। हम जानते हैं नॉन्स इक्वेशन इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू E नॉट NO3 माइनस NO माइनस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 0.059 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस आप देख पा रहे हो, तो ये हो जाएगा 3 लॉग ऑफ प्रेशर क्या होगा यहाँ पे एनओ का, तो पी ऑफ एनओ डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा, नीचे होगा हमारा कंसेंट्रेशन NO3 माइनस और H प्लस का, तो ये हो जाएगा वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई टू पावर 4 फ्रॉम दिस डेटा, फ्रॉम दिस डेटा। नाउ अब दिस इज इक्वल्स टू ई नॉट एन ओ थ्री माइनस एन ओ टू
माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 1, के बस एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो, लॉग ऑफ पी एनओ टू डिवाइडेड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, राइट। सो मैं इसका लिख सकता हूँ ई नॉट वैल्यू को, तो ये होगा 0.96 क्वेश्चन पे गिवन है, अब देख पा रहे हो क्वेश्चन पे डेटा गिवन हो जो ई नॉट, ओके क्वेश्चन पे ई नॉट यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि जो ई नॉट का वैल्यू है, ठीक है। सो एनी वे माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 3 लॉग ऑफ पी एन ओ डिवाइडेड बाई वाई टू दावर 5 इज इक्वल टू 0.79 माइनस 0.059 बाई 1 लॉग ऑफ पी एन ओ टू डिवाइडेड बाई वाई क्यू। सो ये हो जाएगा हमारा 0.17 इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई 1 लॉग ऑफ पी ऑफ एनओ टू डिवाइडेड बाई वाई क्यू प्लस 0.059 डिवाइडेड बाई 3 लॉग ऑफ पी एनओ डिवाइडेड बाई वाई टू दावर 5। सो नेक्स्ट मैं लिख सकता हूं कि 0. जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स 0.17 इक्वल्स टू माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 3 लॉग ऑफ पी क्यूब किसका एनओ टू का डिवाइडेड बाई वाई टू दावर वाई टू दावर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 9 प्लस प्लस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.059 डिवाइडेड बाई 3 लॉग ऑफ वैसे इसको क्यूब क्या वन काइंड ऑफ बोल सकते हो तीन से मैंने ये बस सो लॉग ऑफ पी ऑफ एन ओ डिवाइडेड बाई वाई टू दावर 5। सो यहां से मैंने क्या कर सकता हूँ मैं कॉमन ले सकता हूँ 0.059 कॉमन ले सकता हूँ बाई 3 को लेटर होगा हाँ तो ये होगा लॉग ऑफ पी ऑफ एन ओ डिवाइडेड बाई वाई टू दावर 5 सिंपल मैथमेटिक्स प्लस कॉमन ले रहा हूँ माइनस लॉग ऑफ पी ऑफ एन ओ टू होल टू दावर 3 डिवाइडेड बाई वाई टू दावर 9 ठीक। तो हमारे पास ये रहा अभी तक कमल कमल लेने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 0.17 इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई 3 तो अब देखो लॉग का मतलब नेगेटिव साइन है सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये क्या होगा डिविजन नॉट मल्टीप्लीकेशन डिविजन होगा पी ऑफ एन ओ डिवाइडेड बाई वाई टू दावर 5 मल्टीप्लाइड बाई टू दावर 9 ये होगा पी एन ओ टू ये होगा क्यू इजंट इट एज्यूमिंग मैंने कंसिडर किया पी ऑफ एनओ क्या होता है पी ऑफ एनओ टू होता है दैट इज 1 बार मैंने कंसिडर किया ठीक है तो क्या होगा तो ये पे हो जाएगा हमारा 0.17 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 0.059 इक्वल्स टू लॉग ऑफ y टू दावर 4 इक्वल्स टू 8.644 नाउ log y क्या होगा log y इज इक्वल्स टू 8.644 डिवाइडेड बाई 4 सो y क्या हो जाएगा y ओके log y क्या हो जाएगा log y हो जाएगा 8.64 ओके इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2.2.161 तो y हो जाएगा 10 टू द पावर log base 10 होता है 10 टू द पावर 2.161 एंड सो 2x क्या हो जाएगा 2x इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर सो ये है 2.161 दैट मींस 4.322 तो अल्टीमेटली जो 2x का वैल्यू आएगा वो होगा 4.322 ये बड़ा सा मैथमेटिक्स था थोड़ा सा सो ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होप यू अंडरस्टूड इट वेल थैंक यू सो मच